लालू यादव के परिवार में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरे नंबर की बेटी हैं। इन दिनों वह अपनी तीखी प्रतिक्रिया की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। विदेश से ही सही, रोहिणी आचार्य का बिहार और देश की राजनीति में काफी दखल है। वह सोशल मीडिया के जरिए बिहार और केंद्र की सरकार को घेर रही है, तो वहीं कुछ अन्य मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया भी दे रही है। इन्हीं में से एक मुद्दा कंगना रनौत से जुड़ा है। कंगना रनौत से जुड़े मुद्दे पर रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए ये तक कह दिया कि वो हिंदू नहीं है। आइए समझते हैं पूरे मामले को। असल में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है। ट्विटर के इस फैसले के बाद अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का खूब मजाक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कंगना रनौत के मजाक का एक वीडियो रोहिणी आचार्य ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में कंगना रनौत का मजाक उड़ाया गया है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने रोहिणी आचार्य को ट्रोल करने की कोशिश की। एक यूजर ने पूछा कि आप हिंदू नहीं है क्या मैडम? इस कमेंट का जवाब रोहिणी आचार्य की ओर से दिया गया है। रोहिणी ने जवाब देते हुए लिखा, नहीं, हिंदुस्तानी है हम। रोहिणी आचार्य के इस कमेंट को काफी पसंद किया जा रहा है, तो वहीं जिस यूजर ने यह सवाल पूछा था उसकी तीखी आलोचना हो रही है। इससे पहले रोहिणी आचार्य तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने लालू यादव की जमानत के लिए रोजा रखने का ऐलान किया। रोहिणी के इस ऐलान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी तक ने तंज किया था। हालांकि जब लालू यादव को जमानत मिल गई तो रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए सुशील मोदी का खूब मजाक उड़ाया। अब कंगना रनौत से जुड़े वीडियो पर एक यूजर को ये जवाब देकर एक बार फिर से रोहिणी ने सुर्खियां बटोर ली हैं। बहरहाल आइए जानते हैं कि आखिर कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मुद्दे पर ट्विटर ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में बताया गया है कि कंगना रनौत के अकाउंट को ट्विटर के नियमों, खासकर नफरती आचरण नीति और अपमानजनक नीति का बार बार उल्लंघन करने की वजह से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ट्विटर ने नीति का हवाला देते हुए बताया कि जब अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है तो अकाउंट यूजर को बताया जाता है कि उन्होंने किन नियमों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत वैसे तो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती ही हैं, लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ज्यादा ही भड़की हुई थी। इसी कड़ी में कंगना ने बंगाल में हुए हिंसा का जिक्र करते सिलसिलेवार कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर सीधे तौर पर टीएमसी पर कई आरोप लगाए। इसके अलावा कई भड़काऊ ट्वीट भी किए। इसलिए माना जा रहा है कि कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है। वहीं कंगना रनौत ने कहा है कि ट्विटर ने मेरी इस बात को फिर से साबित कर दिया है कि वे अमेरिकी हैं और जन्म से ही अमेरिकी लोग भूरे लोगों को अपना गुलाम बनाने की मानसिकता रखते हैं। वो बताते हैं कि आप क्या सोचें, आप क्या बोलें अथवा क्या करें। खुशकिस्मती से मेरे पास और भी प्लेटफॉर्म मौजूद है जिनके जरिए मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ और अपने सिनेमा के बारे में बात कर सकती हूँ।